हाँ सही बोले थे। डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, किसी ने भी कुछ भी करवाना हो तो हमारे पास फ्रेश सामान है सब कुछ करने का। तो और क्या, भूल तो जाते ही हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा। आज आपको टाइटल से तो पता लग गया है, हम इस रूम में और इस वाले रूम में यहाँ फ्लेक्स लगवा रहे हैं, क्योंकि पापा कहते हैं मेरा बर्थडे आ रहा है। तो ये जो है ना, ये सिलन, ये बहुत गंदी लग रही है, बहुत सारी हो गई है। मतलब ये देखो, ये पूरा का पूरा उतर जाएगा। बस बस बस, नुकसान नहीं करना। ये है, उधर है, इसके पीछे भी इतना सारा कुछ है। टाइल्स अगर लगवाते हैं तो सिलन ऊपर चली जाती है, और क्या लग सकता है इस पर, वॉलपेपर लग नहीं सकता प्लास्टिक वाला, क्योंकि वो सिलन उससे बाहर आ जाती है। और वो लग सकते हैं पीवीसी हम लगवाना नहीं चाहते इस घर पे, इतना खर्चा नहीं करना चाहते। और अब लास्ट ऑप्शन क्या बचा, फ्लेक्स देखो यहाँ पे लगेगी, मतलब सारी वॉल्स पे लग जाएगी ना, तो उसके लिए पहले इसको कवर करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि इसको ठीक करो उसके बाद आना। एक इस रूम में भी ये है सिलन, ठीक है, बड़ी सारी है। तो अब ये इस पर वॉल पुट्टी करनी पड़ेगी, करेगा कौन, वन एंड ओनली मिस्टर गुनीश। एक दो घंटे लगा देंगे और देखते हैं क्या, कैसे कैसे पैचेस लगा देते हैं, फिर फ्लेक्स का डिज़ाइन चूज करेंगे और फ्लेक्स लगवा देंगे। बस इस व्लॉग में सारा देखना, हमारे पास तामझाम सारा कुछ है, क्योंकि हमारा पार्ट टाइम ये भी काम है, किसी को घर पे करवाना हो तो करवा ले नाम से। क्या है बताओ क्या है सही बोले थे। हाँ सही बोले थे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, किसी ने भी कुछ भी करवाना हो तो हमारे पास फ्रेश सामान है सब कुछ करने का। ये देखो, ये होती है गाइस पुट्टी, इसको ऐसे उठाएंगे और ऐसे घेर देंगे, घर में गंद मचा देंगे अच्छे से। मम्मी चाहे बोलती रहे पर गंद, क्योंकि हमसे अगर अच्छा पोचन लगाया, क्योंकि घर का मिस्त्री तो ऐसे ही होता है ना, उसको क्या मतलब, दिहाड़ी तो मिलनी नहीं है। ये देखो, लगाने से पहले ऐसे उखाड़ा जाता है कि कल को उसके अंदर ना दिक्कत आए। उतर जा, ये देखना। तुम्हारे घर का भी यही हाल है क्या? अगर यही हाल है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे सोल्यूशन होएगा, तुम भी पुट्टी करो पहले। ओए हो, ये तो ऊपर तक जाता रहेगा। अभी पापा कह रहे थे पुट्टी बहुत ज़्यादा है ये, पापा एक कट्टा और आएगा। हाँ माँ को तो सब दिखता है, माँ की सुनता कोई नहीं है। अब व्लॉग में बेइज्जती करा लो मेरी। ये देखो गाइस, इसको फटाफट से उतारना है। ओ ये तो सारा उतरेगा, देखा मम्मी ने कह दिया सारा उतरेगा, तो सारा उतरेगा, कट्टा तो यहीं लग जाएगा एक। वैसे ज्यादा छेड़ दिया हमने। ओ भाई करता जाता तो ऊपर भी जाने के लिए, वैसे ऊपर नहीं थी। चलो बस बहुत हो गया, अब हम सारा उतारते हैं और आपको बाद में मिलते हैं। गाइस ये हमने सारी पुट्टी कर दी है, इधर भी प्लेन कर दिया और अंदर भी कर दिया, इधर ये हमारे पिताश्री हैं। और हमने यहाँ के टेक्सचर भी वो कर दिया फाइनल, इसी जैसा सिमिलर है, क्योंकि हमें और कोई पसंद नहीं आ रहा था। बस हम LED वगैरह उतारेंगे और ये वॉल के सॉरी कर्टन्स की जो पाइप वगैरह है उतारेंगे, फिर बस तुम्हें लगते हुए दिखाएंगे सीधा। पूरी फ्लेक्स लग चुकी है, अब आपको मैं सारी दिखा देता हूँ दोनों रूम्स की। ये आप देख पा रहे हो, ये मेन रूम है, यहाँ पे पहले भी पिंक कलर ही था तो हमने भी पिंक कलर दोबारा ही चूज़ किया। वहाँ पे ब्लू था तो वहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया, तो हो सकता है थोड़ा सा और चेंज कराएं, मतलब क्योंकि ऊपर वाली चीज़ है ना वो मैच नहीं कर रही। तो अभी आपको सारा दिखाते हैं। सो ये है मेन वॉल एंड इसके साथ, और मतलब तीनों साइड पे वॉल ये कलर है, जैसे कि ये लाइट के ऊपर डार्क है तो यहाँ डार्क के ऊपर लाइट है। कैसी लग रही है बता दो कमेंट करके, बढ़िया लग रही है हमें तो। और साथ ही साथ वाला रूम है वो है लाइनिंग, एंड ये
मतलब मेन एक वॉल एंड बाकी तीन वाली ये बस ऊपर वाला मैच नहीं कर रहा, ये शायद चेंज कराएं हम। बाकी बताओ कैसा लग रहा है। इस व्लॉग में इतना ही, आई होप अच्छा लगा होगा। ये अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।